क्या हुआ आनंद, तुम इतने उद्विग्न क्यों हो? आश्चर्य गुरुदेव, आश्चर्य। अमृत देने वाली कामधेनु ने आज बिल्कुल दूध नहीं दिया। आश्चर्य, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। गुरुजी, किसी ने कामधेनु का दूध तो नहीं लिया? भ्रम के सहारे किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हमें इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, आंखों से झर झर आंसू और मुंह पे मुस्कुराहट। वत्स, चलो चल करके महाराज भूमगुप्त को यह शुभ समाचार सुनाएं। पूज्य मुनिवर, आपके मुखारबिंद से यह शुभ समाचार सुनकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। लगता है मेरा सपना सत्य होने वाला है। अवश्य होगा महाराज, अवश्य। मुनिवर, आपके साथ उस पवित्र स्थान का दर्शन करना चाहूंगा। शुभस्य शीघ्रम, पधारिए महाराज। Thank you.
हे गंगाधर काल कलाधर नागेश्वर भक्तों पे दया कर, हे गंगाधर काल कलाधर नागेश्वर भक्तों पे दया कर, हे अंबे गौरी के स्वामी जय बाघंबर धारी, दर्शन तो त्रिपुरारी। बम बम भोले शिव जय भोले, जय जटाजूट परमेश्वर, जय महादेव कैलाशपति, जय 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 गौरी शंकर। बम बम भोले शिव जय भोले, जय जटाजूट परमेश्वर, जय महादेव कैलाशपति, जय 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 गौरी शंकर। शिव शंकर भोले दानी जगदाता अंतर्यामी, हम लोहा तुम पारस स्वामी, कंचन कर दो तन मन वाणी। हम लोहा तुम पारस स्वामी, कंचन कर दो तन मन वाणी, जयति जय जयति जय दर्शन दो त्रिपुरारी। बम बम भोले शिव जय भोले, जय जटाजूट परमेश्वर, जय महादेव कैलाशपति, जय 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 गौरी शंकर। बम बम भोले शिव जय भोले, जय जटाजूट परमेश्वर, जय महादेव कैलाशपति, जय 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 गौरी शंकर। शिव शंकर भोले दानी जगदाता अंतर्यामी, ओ सुन लो अरज ये हमारी, दर्शन दो त्रिपुरारी। बम बम भोले शिव जय भोले, जय जटाजूट परमेश्वर, जय महादेव कैलाशपति, जय 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 गौरी शंकर। शिव बम भोले शिव जय भोले, जय जटाजूट परमेश्वर, जय महादेव कैलाशपति, जय 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 गौरी शंकर। गंगेश्वर दर्शन दो परमेश्वर, जय महादेव कैलाशपति, जय 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 गौरी शंकर। बम भोले दर्शन दो परमेश्वर, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो। सिंधु भगवान शिव शंकर की जय। कृपा सिंधु भगवान शिव शंकर की जय। प्रिय भक्तों, मैंने महेश रूप में पांडवों पर कृपा की थी, महाबली भीम ने मेरा कटिभाग अपनी बाहों में पकड़ लिया था, मेरा वो भाग केदारनाथ में है और अग्रभाग आज यहां प्रकट हुआ है। मैंने पशु रूप धारण किया था, इसलिए यहां मैं पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाऊंगा।
बाबा पशुपतिनाथ की, बाबा पशुपतिनाथ की, बाबा पशुपतिनाथ की। जगदम्बा, मातेश्वरी, प्रणाम। आशीर्वाद। आप पुष्प चुन रही हैं? आशुतोष की पूजा अर्चना के लिए। परंतु आशुतोष हैं कहाँ? अपने योगासन पर। नहीं है। अकस्मात कहाँ चले गए? श्लेष मानतक वन में भक्तों ने गुहार दी और कृपा सिंधु पहुंच गए उन्हें दर्शन देने। अब माता से क्या रहस्य छिपाऊं? प्रभु धरती पर अपना अस्तित्व स्थापित करने गए हैं। तो ये रहस्य है? सर्वेश्वर की यही बात मुझे भी अच्छी नहीं लगती, परंतु क्या करूं, मैं ठहरा उनका चरण सेवक। माता मुझे आशीर्वाद दीजिए। हर हर महादेव, नारायण नारायण। लगता है देवी मुझसे रुष्ट हैं। स्वामी से दासी को रुष्ट होने का अधिकार कहाँ है? मनुष्य की भांति देवी को अधिकार की चिंता क्यों होने लगी? प्रतीक्षा में पूजा के पुष्प मुरझा गए और आप कहते हैं चिंता क्यों होने लगी? कहाँ गए थे आप? पृथ्वी पर। देवी भलीभांति जानती हैं हम सर्वदा मुक्त होकर भी अपने भक्तों के अधीन होते हैं। और उनकी इच्छा अनुसार आपको अपना अस्तित्व स्थापित करना पड़ता है? अपना नहीं, हमारा अस्तित्व। शक्ति के बिना शिव का अस्तित्व स्थापित नहीं हो सकता। परमेश्वरी, हमारी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तों को सतयुग त्रेता द्वापर में सहस्त्रों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, किंतु कलयुग में हमारे अस्तित्व के दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, उन्हें मनोवांछित फल मिलेगा, उन पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरे प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। मैं कलयुग हूं, कलयुग। पृथ्वी पर अब मेरा साम्राज्य है। मेरी सत्ता को ललकारने वाला जीवन भर दुख पाएगा और मेरी शरण में आने वाला भोग विलास का आनंद प्राप्त करेगा। Thank you.
जाने जिगर क्यों बेखबर होया है तू बसी हो कि मैं अपने बस में नहीं हूं। तो अपने बाप से कहती क्यों नहीं कि मैं उर्वशी से ब्याह करूंगा? कह तो दूं, मानेंगे नहीं, हमारी तुम्हारी जात का प्रश्न उठा देंगे। तो तुम अपनी जात देखो, मैं अपनी जात देखूंगी। उर्वशी सुनो तो, उर्वशी थोड़ा और धीरज धरो, मैं अपनी मां को मनाऊंगा, वो मेरी सब बात मानती हैं। मां की बात पिताजी को माननी पड़ेगी। तुम्हारी मां से तुम्हारे पिताजी डरते? संतु, अरे कहां मर गया संतु? अरे कहां है संतु, जल्दी आ। आता हूं मालिक। मालिक हुँ? दूध। संतु, दूध में मलाई नहीं आती। आप तो जानते हैं मालिक, कल बहुत बारिश हुई थी, गाय भी गई थी। हाँ बेवकूफ। हाँ हाँ, क्या क्या? श्रीकांत कहाँ है? कहीं पतंग उड़ा रहे होंगे उर्वशी के साथ, नोकझोंक की। यही तो उम्र होती मालिक। श्रीकांत उस लड़के से रोज मिलता है? जब से मैंने समझाया है, तीन चार बार नहीं, सिर्फ एक बार मिलने को जाते हैं मालिक। श्रीकांत का ब्याह जल्द ही करना पड़ेगा। सावित्री, श्रीकांत की माँ। ओ श्रीकांत की माँ, क्यों चिल्ला रहे हो? कौन सा पहाड़ टूटने वाला है? तुम्हारे लाडले रस्सी तोड़ने वाले हैं, उसे जल्द ही ब्याह के बंधन में बांधना होगा। कोई लड़की है तुम्हारी दृष्टि में? हाँ, अपने ही जात की एक सुंदर सुशील संस्कारी कन्या है, बेचारी गरीब घर की है। ये लो, पहले ही लुटिया डूब गई, एक दमड़ी भी दहेज में नहीं मिलेगी। पशुपतिनाथ की दया से हमारे पास किस चीज की कमी है? तुम्हें कहां लखपति बाप के घर से आई थी? लेकिन मेरे बाप ने दहेज में कपड़े लत्ते और दूध पीने के लिए गाय तो दी थी। बूढ़ी गाय, जिसे मेरे ससुर जी ने अपने बीमार माँ के गोदान के लिए खरीदी थी। माँ नहीं मरी तो दहेज में दामाद जी को दे दी। देखो जी, गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो ठीक नहीं होगा। बात करनी है तो लड़की की बात करो। मुझे तो वो लड़की पसंद है। आपको लड़की पसंद है? मुझे भी एक लड़की पसंद है। बेटे, तुम्हारी उस पसंद को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कई मन चले भी उसे पसंद करते हैं। जी नहीं, वो सिर्फ मुझे पसंद करती है। वो तुम्हारे सुख और संपत्ति को पसंद करती है। किसी ने अवश्य आपके कान भर दिए। पिताजी, उर्वशी बहुत अच्छी लड़की है। तुम इंद्र की आंखों से अपनी उर्वशी को देख रहे हो। वो हमारे घर की बहू बनने योग्य नहीं है। उसमें बुराई क्या है? हमसे छोटी जात की है। तो क्या हुआ?
गंगा गंदे नाले के पानी को भी गंगा बना देती है। नहीं श्रीकांत, नहीं, तुम्हारे पीछे हम अपना कुल भ्रष्ट होने नहीं देंगे। हमने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की है वो रूप गुण सुंदरता में उर्वशी से बढ़कर है। मैंने मरते समय उसके बाप को वचन भी दिया था। मैंने भी उर्वशी को वचन दिया है। तेरा वचन जाए भाड़ में, मैं उस चुड़ैल को घर में घुसने नहीं दूंगी। तो मैं घर छोड़ दूंगा। अच्छा, तू उस चुड़ैल के लिए घर छोड़ देगा, माँ बाप को छोड़ देगा, आवारा बदमाश। हे भगवान, किस जन्म का बहरी पैदा किया है। आप लोग मुझे कोसिए, मारिए, कुछ भी कीजिए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उर्वशी से, नहीं तो जन्म भर कुआरा रहूंगा। अपना फैसला बदल दो श्रीकांत, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। मेरा फैसला अंतिम और अटल है। तुम्हें एक फैसला अभी और इसी वक्त करना पड़ेगा। क्या? तुम्हें उर्वशी के साथ मेरी जलती हुई चिता के साथ फेरे करने पड़ेंगे। नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं, छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नहीं पिता, छोड़ दो मुझे। आप जिसके साथ कहेंगे छोड़ दे, मैं उसी के साथ शादी करूंगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगा। भगवान ने इन दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी मिलाई। लीजिए लीजिए, अब अपने वर को वर माला पहनाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडम ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। अब अग्नि के साथ फेरे लीजिए। ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित्थ जंबो बलचारु भक्षणम मासुतम शोक विनाशकार कम नमः विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शे सुरवाद साधिकेश्वर नेत्रंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गणानन्त्वा गणपति गुं हवामहे। ओम प्रियेनान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे। ओम निधिनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे। ओम वसुमम अहम जानी गर्भद मात्रम जासि गर्भदम। ओम शांति शांति। अपार सुंदरी, अपना सुंदर मुखड़ा घूंघट में छुपाए बैठी हो, शायद इसलिए कहीं मेरी दृष्टि न लग जाए। अब तो मैं स्वयं इस चंद्रमुखी को देखूंगा। ये क्या, आपने तो मदिरा पे रखी है। पीने की वस्तु पी जाती है, खाने की वस्तु खाई जाती है। माँ तुम्हारी सुंदरता की बड़ी प्रशंसा करती, अब मैं भी तुम्हारे इस सौंदर्य का स्वाद तो लूं। दूर रहिए मुझसे, मदिरा की दुर्गंध से मेरा दम घुट जाएगा। तुम्हें इतना अभिमान? अभिमान कैसा, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, लेकिन मदिरा की दुर्गंध मुझसे सहन नहीं होती। धीरे धीरे सबको सहने की आदत पड़ जाएगी। नहीं स्वामी, नहीं, मैं ऐसी दुर्गंध से मर जाऊंगी। तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी? स्वामी, आप तो मेरे जीवन धन है, परमेश्वर है, किंतु आपका ये मदिरा सेवन करने वाला रूप मुझे स्वीकार नहीं। मैं भी तुम्हें पत्नी के रूप में जीवन भर स्वीकार नहीं करूंगा। बाबा पशुपतिनाथ, मेरी रक्षा करना।
सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। बेटी तुम प्रसन्न तो हो ना? हाँ माँ बहुत खुश हूँ, आपका आशीर्वाद जो है। ये क्या, श्रीकांत यहां सोया है? अवश्य कोई बात है। आओ मेरे साथ। क्या हुआ, कहां ले जा रहे हो, कुछ बताओ तो सही। तुम्हारे लाडले बहू के कक्ष में नहीं सोए थे? फिर कहां सोया था? जाकर देखो कहां सोया है। बहू ने तो हमें कुछ नहीं बताया। सद्गुणी लड़कियों के यही लक्षण होते हैं। माँ जी लीजिए प्रसाद। माँ जी आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? बेटी स्त्री स्वभाव से शांत और सुशील होती है, लेकिन तुम स्त्री नहीं देवी हो। माँ जी इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने बताया तक नहीं। रात भर वेदना के आंसू पीती रही और आंखों में उसकी झलक तक नहीं। माँ जी बेटी मैं जानती हूं मेरा बेटा क्या है। बचपन के लाड प्यार और इस घर के वैभव ने उसे हर मनमानी करने के लिए सहारा दिया। हमने तुम जैसे गरीब घर की लड़की से इसलिए ब्याह किया कि मरते समय तुम्हारे बाप को वचन दिया था। यह सब सोच करके तुम उसे सही मार्ग पर ले आओगी। अब अगर तुम इसमें सफल नहीं हुई तो हमारा किया व्यर्थ हो जाएगा। माँ जी मैं प्रयत्न करूंगी, अवश्य करूंगी। हाँ। मैं उसे तोड़ कर रख दूंगी। तू कुछ नहीं कर सकेगी, मेरे प्यार को ठुकरा कर धनवान से ब्याह करने चली थी ना, कर लिया ना ब्याह? उसने वचन देकर धोखा दिया धीरज। और तूने उसके धोखे पर अपने आप को समर्पित कर दिया ना? नहीं, वो अंकस्पर्श से अधिक कुछ नहीं पा सका है। अब तुमने क्या सोचा है? मैं उसका सब कुछ मिटा डालूंगी, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। हो गई ना कड़ी पतली, ये काम अपन का नहीं है। अजी सुनते हो? रंभा किसी ने तेरा पीछा तो नहीं किया ना? अरे किसी ने मेरा पीछा किया तो खोपड़ी तोड़कर कटोरा नहीं बना दूंगी। फिर क्यों तुम हाँफ रही हो? अरे दौड़कर आई हूँ। अच्छा बोल बात क्या है? पता चला है दुल्हन जी सुहाग की सेज पर अकेली तड़पती रही है। लल्ला जी दूसरी जगह मदिरा पीकर सो रहे थे। अच्छा एक तुम हो, अंदर आते ही दिया बुझा दिया था। क्या मैं लल्ला की जैसा बुद्धू हूँ? चलो हटो।
रूठी हो? नहीं जी, बहुत प्रसन्न हूं। तुमने मेरा हृदय तोड़कर बहुत पाप किया है। उर्वशी, मैं निर्दोष हूं। निर्दोष हो? वचन मुझे दिया, ब्याह किसी और से किया? ये ब्याह नहीं उर्वशी, विवशता है। अगर मैंने शादी न की होती तो मेरे पिताजी आत्महत्या कर लेते। तुमने अपने बाप को बचाने के लिए मुझे जीते जी मार डाला श्रीकांत। हमारा ब्याह दिखावा के सिवाय कुछ भी नहीं। तुमने अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं किया? नहीं, मैं मदिरा का सेवन करता हूं, इसलिए उसने मुझे स्वीकार नहीं किया। श्रीकांत, मैं तुम्हें अभी भी उतना ही प्यार करती हूं मेरे श्रीकांत। कब तक उसकी प्रतीक्षा करोगी शारदा? भोजन कर लो, भूखे पेट तो भगवान की भी पूजा नहीं होती। उनके आने के बाद ही प्रसाद लूंगी माँ जी। आ गए श्रीमान। अरे मूर्ख, तुझे माँ बाप की इज्जत का कुछ तो ध्यान होता? ध्यान तो है पिताजी, तभी तो मैं आया हूँ। मत बोल इस मुंह से पिताजी, नीच कुकर्मी। नहीं बोलूं? ठीक है पिताजी, लेकिन इस मुंह ने तो बहुत मूल्यवान मदिरा पी रखी है। ये तो अमृत है अमृत पिताजी, थोड़ा आप भी तो चख लीजिए। खामोश नीच। नहीं स्वामी, नहीं। ऐसी संतान होने से तो नहीं संतान होना अच्छा था। ऐसा न कहिए स्वामी, ऐसा न कहिए। अरे कुलक्षणी, मुंह क्या देख रही है, ले जाइए इसे अंदर। जी चलिए। छोड़ दो मुझे, मुझे किसी की जरूरत नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मैं नीच हूं, मैं नालायक हूं, मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। सहानुभूति नहीं, लेकिन सेवा तो चाहिए। हट जाओ मेरे पास से। मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं नालायक हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ। जा। क्या है रे भांजे, बोलना। अरे क्या हुआ, बोलना रे।
तेरी मामी को, तेरी मामी के पत्थर गिरा छाती में। अरे नहीं, हैं? अरे नहीं भाई, अरे तुम क्या बोल रहे हो? तुमको क्या बहुत चिंता हो गई? मेरे को बहुत चिंता हो गई। हमारे साथ चौथी शादी कौन करेगा हमारे साथ? संता तू क्यों रो रहा है? क्यों नहीं रोए दादा? क्या हुआ? दिल दर्द हो रहा है। अरे क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है बताओ? तीसरी शादी चल गई। तो क्या हुआ, तीसरे के चौथी आएगी, चौथी गई तो पांचवी आएगी, हम हैं। क्या समझा? चौथी भी आ जाएगी जरूर, हमें तो क्यों नहीं आएगी? दादा जिंदाबाद। जिंदाबाद हो अब भांजे, उसके गहने निकालना है, चल चौथी शादी में काम आ जाएंगे। दादा चलता है, जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम पशुपतिनाथाय नमः, ओम पशुपतिनाथाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम पशुपतिनाथाय नमः, ओम। ओफो, इस औरत ने तो सोने को भर कर दिया। पशुपतिनाथाय, बंद करो ये पाखंड। ये आप क्या कह रहे हैं? ये पाखंड नहीं, पूजा है। पूजा के लिए मंदिर बने हैं, मंदिर में चले जाओ, घर में आडंबर नहीं चलेगा, ये पत्थर भगवान नहीं बन सकता। हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। स्वामी, प्रभु से क्षमा मांगिए। नहीं, सारे फसाद की जड़ यही पत्थर है, मैं इसे उठाकर फेंक देता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए आप। नहीं, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। न जाने क्या लगा रखा है, बार बार फिसल जाता है। अच्छा, तो ये तंत्र मंत्र का चमत्कार है। मैं शिवलिंग को ही चूर चूर कर दूंगा। ये औरत भयानक डायन है, मैं इसे भगा कर ही छोड़ूंगा। ये क्या हुआ, क्या मैं इतना दुर्बल हो गया हूं कि मुझसे एक छोटा सा शिवलिंग नहीं उठा, या उसने मेरी शक्ति छीन कर दी? देखता हूं। एक छोटा सा शिवलिंग उठा नहीं सका तो क्या हुआ? शिवलिंग तो रावण से भी नहीं उठा था, तो क्या रावण वीर नहीं था, पराक्रमी नहीं था? था, और तुम भी हो। हाँ, मैं सब देख रही हूँ और सुन भी रही हूँ, और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि जिसे तुम ब्याह कर लाए हो वह ऐसे एक जादूगरनी है, इसलिए उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम ठीक कहती उर्वशी, लेकिन पिताजी मानेंगे नहीं। वैद्य जी, आपने बताया नहीं ये अचेत क्यों है? चंद्रोदय, मोती भस्म सब दवाइयां दे चुका हूं, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इन्हें बीमारी क्या है वैद्य जी? इनमें इच्छा शक्ति नहीं है, लगता है जीवन के प्रति उत्साह नहीं रहा। संदास, चलो मेरे साथ दवा ले आओ।
इतनी कठोर परीक्षा मत लीजिए प्रभु, बाबूजी को ठीक कर दीजिए, इस घर में वही मेरे शुभ चिंतक है, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु। संता, ए संता। संता दवाई लेने गया है, आपको क्या चाहिए? मुझे थोड़ा सा विष दे दो। आप मुझसे ऐसी कठोर बातें क्यों कर रहे हैं? सावित्री, तुमने इस घर में सत्यवान की सावित्री ने राजा दशरथ के केकई की भूमिका निभाई है। मां बेटे ने मिलकर मेरी प्रत्येक अभिलाषा की होली जला डाली। बहु शारदा, शारदा क्या आ गया है बाबूजी? मेरी अंतड़ियां जल रही हैं, शायद संतू ने मुझे आज दूध नहीं दिया। मैं दूध लाती हूं। आप कैसे हैं मालिक? तुम कहां चले गए थे? बाबूजी, दूध लीजिए। बिटिया, मुझे दे दो, मैं पिलाता हूं। मुंह खोलिए मालिक। उठिए मालिक, दूध पी लीजिए। गिलास लो बिटिया। संतो जी मालिक, थोड़े दिन में मेरी महायात्रा आरंभ होने वाली है। मैं मर गया तो मेरा बेटा आगे ना दे, मेरी पत्नी मेरी देह को ना छुए, मेरी बहू शारदा मेरी चिता को आग देगी। समाज अगर अनुमति ना दे तुम्हें मेरी चिता को आग दोगे? स्वामी, मेरे साथ इतना कठोर न बनिए। बाबूजी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, माँ जी का मन न दुखाइए। माँ बेटे ने जी भर के मेरा मन दुखाया है, तुम लोग जाओ, मुझे आराम करने दो। जाओ। उस घर में शांति, जो सुख शांति मुझे तुम्हारी संगत में मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती है। उर्वशी, कहो, तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं? अपनों से क्या मांगना, तुम तो बिना मांगे ही दे देते हो। पहनने के बाद मन हो रहा है, अगर मैं तुम्हारी धर्म पत्नी होती तो मैं भी लाल परिधान पहनकर तीज मनाती। शारदा, कहां जा रही हो? पूजा के लिए मंदिर जा रही हूं। तुम तो घर में भी पूजा कर सकती हो, तुम्हारे ससुर बीमार हैं, उनकी देखरेख के लिए किसी को तो होना जरूरी है। ठीक है, आप जाइए। बहू, शारदा
आती हूँ पिताजी। कहिए पिताजी। बैठो बेटी, बैठो। अपने स्वार्थ में आकर मैंने तुम्हारा ब्याह अपने नालायक बेटे से कर दिया। जिसका मुझे बड़ा दुख है, इसके लिए मैं अपने आप को दोषी समझता हूं। नहीं पिताजी नहीं, इसमें आपका क्या दोष? ठहरिए, मैं आपके लिए दवा लाती हूँ। नहीं बेटी नहीं, नहीं। अब दवा की जरूरत नहीं। तुम मेरे पास बैठो। अब मेरे पास अधिक समय नहीं है। कहिए पिताजी। बेटी मुझसे वादा करो कि इस भेद को किसी को नहीं बताओगी। मैं आपसे वादा करती हूँ पिताजी। बेटी यह नागमणि, यह नागमणि हमारे कुल की धरोहर है। तुम्हारे पति को दूंगा या पता चलेगा तो इसे समाप्त कर देगा। इसे संभाल कर रखना, किसी को पता ना चले। पिताजी हम छोड़ कर मत जाइए। पिताजी क्या हुआ बहू? काका बाबूजी हमें छोड़कर चले गए। क्या हुआ बहू? बाजी स्वामी हमें छोड़ के चले गए। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, नहीं। अरे कुलच्छड़ी तू आई, मेरे बेटे का जीवन बर्बाद हो गया और अब तूने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। नहीं माजी, बेटा इसने तेरे बाप को पाल लिया। नहीं माजी, नहीं। संतो इनके गले से नागमणि निकाल कर मुझे दे दे। इनके गले में तो कुछ भी नहीं मालकिन। बता इनके गले में नागमणि थी वो कहां गई? बेटी मुझसे वादा करो कि इस भेद को किसी को नहीं बताओगी। मुझे कुछ नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम तो और किसे मालूम है? यहां बाहर का कौन आदमी आया था जो उनके गले से मणि ले गया? तूने ही छुपाई है वो मणि। नहीं मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा तू बड़ी पतिव्रता बनती है हाँ? तो खा अपने पति की सौगंध। मैं अपनी सौगंध खाऊंगी, उनकी सौगंध क्यों खाऊं? यदि तू सच्ची है तो तुझे खानी पड़ेगी कसम। घर में मुर्दा पड़ा है, उसकी कोई चिंता नहीं है, सिर्फ हीरा मोती पन्ना की चिंता है।
बाहरे लोग, बाहरी दुनिया, मैं चिता का प्रबंध करने जा रहा हूं। क्या हुआ बहू? गाय को दाना देते देते आंख में आंसू? क्या करूं काका, पिताजी की याद आंखों में बंधे हुए बांध को तोड़ देती है, तो आंसू रोक नहीं पाती। बेटी, सेठ जी थे ही ऐसे, उनकी हर बात को प्यार से अपने में बसा लो। काका, बचपन से लेकर बड़ी होने तक पिताजी से मुझे माँ का प्यार मिला, लेकिन भाग्य ने उसे भी वंचित कर दिया। ससुराल की सारी कड़वाहट को बाबूजी के प्यार ने भुला दिया, लेकिन अब नहीं बेटी, नहीं नहीं, निराश मत हो, सेठ जी का प्यार त्याग इस घर को अमृत देगा। तुम्हारी तपस्या में बड़ी शक्ति है बेटी, बड़ी शक्ति है। इतने दिन हो गए तेरे पिताजी की मृत्यु हुए, नागमणि की हवा तक नहीं लगने दी शारदा ने। मां, वो है तो घर में ही कहीं, कभी ना कभी पता चल ही जाएगा। अभी तो वो पूजा में है। इसने नागमणि कहां छुपा रखी है? इस सिंदूरदान में जरूर छुपाया होगा। हे भगवान, ये सांप कहां से आ गया? मां जी, हो गई पूजा? हाँ माँ जी। बेटी, तूने बहुत दिनों से सिंदूरदान से सिंदूर नहीं लगाया। सिंदूरदान से? हाँ, उसकी सुंदरता ही अलग है, आज लगाओ। ठीक है, अभी लगाती हूँ। माँ जी, इस सिंदूर की बात ही कुछ अलग है, कितनी सुंदर लग रही हो। माँ जी, पाए लागू छोटी मालकिन, ये दही कहाँ रख दूँ? दही वहां रख दो। सुनो रंभा, मुझे छोटी मालकिन मत कहा करो। क्यों ना कहो? क्योंकि मुझे इस घर में वो अधिकार नहीं मिला। जो अधिकार कोई न्याय से नहीं देता, वो अधिकार उसे लड़कर लिया जाता है। छोटी मालकिन, मुझ में लड़ने की शक्ति नहीं है रंभा, घर स्वामियों की दया पर पड़ी हूँ, वो जब चाहे निकाल दे। जब वो खड़ी आएगी मालकिन, तब आप अपने आप को अकेली नहीं पाएंगी।
मैं चलती हूँ मालकिन। ए तितली रानी, कहाँ जा रही है? रस चूसने जा रही है या रंग चुराने? रंभा, मुंह संभाल के बोला कर। क्यों, सुई चुप गई? हवेली में अकेले अकेले किससे मिलने जा रही है? श्रीकांत का बाप मर गया है, उसका शोक मनाने जा रही हूँ। जब तेरा बाप मर गया तो माँ बेटी ने मिलकर कितने दिन शोक मनाया था? हाँ, बकबक करेगी तो तेरी जीप खींच लूंगी। टेटे करेगी तो चोटी नोच के तेरी खोपड़ी पर रोटी बेल दूंगी, समझी? मेरा मरद एक गैया का पूरा दूध मुझे पिलाता है। आंख में कजरोटा डालकर शोक मनाने आई है। श्रीकांत, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है मां। कोई काम वाम नहीं है, बाप के मरने के बाद मनमानी करने लगे हो। दिन रात घर से बाहर रहते हो, हर घड़ी मदिरा में चूर रहते हो। इस सब के जिम्मेदार आप लोग हैं। ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। किस सुख के लिए मैं इस घर में रहूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ। बेटा, थोड़ा जलपान तो कर ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हटाओ। श्रीकांत, ये क्या किया तूने? घृणा, घृणा जो इसके जीवन में भर दी गई है। श्रीकांत प्यारे, तुम्हें स्नेह चाहिए जो इस घर में तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। मैं तुम्हें दूंगी, चलो मेरे साथ। चंडालिनी, अब इसे इकट्ठा करने से क्या लाभ? तू न जाने किस मिट्टी की बनी हुई है। श्रीकांत तुझे देखना भी नहीं चाहता, फिर मैं तुझे रानी बनाकर इस घर में क्यों रखूं? चल निकल जा मेरे घर से, निकल जा। जा। नहीं माँ जी, नहीं, मुझे आपके चरणों में ही पड़े रहने दीजिए। आप लोगों के सिवाय और मेरा कोई नहीं है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आप लोगों की सेवा किया करूंगी और बस एक कोने में पड़ी रहूंगी। माँ जी, दूर से उनके दर्शन कर लिया करूंगी। अरे अभागिन, वो घर में रहेगा तभी तो तू दर्शन कर सकेगी। उर्वशी तुझसे सुंदर नहीं है, लेकिन उसने अपने प्रेम जाल में बांध रखा है। मैं तुझे एक अवसर और देती हूँ। उर्वशी तुझसे सुंदर नहीं है, लेकिन अपने प्रेम जाल में बांध रखा है। उर्वशी तुझसे सुंदर नहीं है, लेकिन अपने प्रेम जाल में बांध रखा है। उसे घर में ले आ जिसके लिए वो दीवाना है। उसे घर में ले आ जिसके लिए वो दीवाना है। उसे घर में ले आ जिसके लिए वो दीवाना है। हाँ हाँ, मैं उसे घर में लेके आऊंगी जिसके लिए वो दीवाना है। इसी बहाने वो घर में तो रहेंगे। शारदा, कहाँ जा रही हो? ये घर छोड़ने से पहले आपके बेटे को लाने के लिए। वो तुम्हें मिलेगा कहाँ? उर्वशी के पास। न जाने तुमने कौन सा जादू कर दिया है, पल भर की जुदाई भी मुझे पागल बना देती है। मेरी भी यही हालत है उर्वशी, अपने होठों की मदिरा पिलाकर मुझे मदहोश कर दो। देखने वाले पत्थर मारेंगे। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं, जरा अपना हाथ तो बढ़ाओ। माँ से कहकर मैं इसी सप्ताह तुम्हारे साथ सात फेरे लूंगा। तुम्हारी माँ मानेगी? नहीं मानेगी तो हम मंदिर जाकर गंधर्व विवाह कर लेंगे। शिकार। Thank you.
स्वामी मेरे हाथ, हे भगवान, क्या हो गया मेरे पति को? भाई साहब, भाई साहब, क्या होता करे मेरी? इन्हें उठाओ, इन्हें उठाओ, संभल के। वैद्य जी, इसका एक हाथ पांव क्यों नहीं चल रहा? बोलते हुए जीभ क्यों लड़खड़ा रही है? क्या हो गया है मेरे बेटे को? पक्षाघात हो गया है। पक्षाघात? वैद्य जी, ये अच्छे तो हो जाएंगे ना? 24 घंटे के पश्चात दवा का प्रभाव देखकर ही कुछ कहा जा सकता है। ये दवा शहद के साथ देते रहिए, मैं संदास के साथ दूसरी दवा भेजता हूँ। चलो संदास। वैद्य जी, मेरे बेटे को अच्छा कर दीजिए। मैं प्रयत्न करूंगा। हे प्रभु पशुपतिनाथ, मेरे स्वामी को अच्छा करना, उनकी सारी बीमारी मुझे दे दो। मेरे सुहाग की रक्षा करना प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा करना। वैद्य जी, अब कैसा है मेरा बेटा? दवा का थोड़ा भी प्रभाव नहीं हुआ, परंतु प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा। रोगी के अनुकूल वातावरण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। मन के अनुकूल वातावरण? वैद्य जी, आप कहना। भगवान से प्रार्थना करो बेटी। अभागन, जब से तू इस घर में आई है, शांति चली गई है, मेरा सुहाग उजड़ गया। आज मेरा बेटा अधमरा पड़ा हुआ है, न जाने तू किस जन्म का बदला लेने आई है। अरे चुड़ैल, अपने भगवान से क्यों नहीं कहती कि इसे ठीक कर दे? भगवान ही इन्हें अच्छा करेंगे माँ जी। चुप रह पापी, इसे अच्छा करना होता तो बीमार ही क्यों करता? उर्वशी, उर्वशी। हाँ बेटा, मेरी बुद्धि मारी गई थी जो तेरे बाप की बात मानने के लिए विवश हो गई, नहीं तो आज उर्वशी इस घर की बहू होती और सब कुछ ठीक होता। अब उर्वशी ही इस घर की बहू बनेगी माँ जी। तुम यहाँ क्यों आई हो? भीख मांगने। भीख मांगने? इतने धनी घर की बहू होकर भीख मांगने आई हो? राजा हरिश्चंद्र को भी चाकरी करनी पड़ी थी, ये तो समय का फेर है। तुम क्या मांगने आई हो, साफ साफ कहो, मेरा समय नष्ट ना करो। तो वो बीमार है, हर पल हर सांस में आप ही का नाम लेते हैं, आपको देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही है। अगर आप आएंगी तो आपको देख के उनका दिल प्रसन्न हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। मैं नहीं आऊंगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आपके पांव पकड़ती हूँ, अपने प्यार के लिए मेरे साथ चलिए, फिर आप दोनों की शादी कर दी जाएगी। शादी कर दी जाएगी? लेकिन तुम? अगर आप चाहे तो मैं आपकी सेविका बनकर आपकी सेवा करूंगी। ठीक है, चलो। माँ जी, ये रही आपके बेटे की खुशी, हृदय की धड़कन। उर्वशी, आपके घर की सुख शांति लौट आई है। स्वामी, आप तो आंखें खोलिए, देखिए उर्वशी खड़ी है। स्वामी, उर्वशी अब सदा आपके पास रहेगी। माँ जी, मेरे कारण आपको और आपके बेटे को बहुत दुख पहुंचा है, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूं। बहन, इन्हें सदैव प्रसन्न रखना। उर्वशी, अब तुम इस घर की बहू बनोगी। देर हो गई, लेकिन जब आंख खुले तभी सवेरा। अब संभालो इसे। श्रीकांत,
तुम्हें क्या हो गया? इसे पक्षाघात हो गया है बेटी। पक्षाघात? आधा अंग सूना? वैद्य जी ने कहा है ये जल्दी अच्छा हो जाएगा, फिर धूमधाम से तुम्हारा ब्याह रचाऊंगी। इस अर्धा जीवित के साथ मेरा ब्याह, ताकि इस अपाहिज के साथ मैं जीवन भर अपने भाग्य को रोती रहूं? लेकिन तुम तो इसे प्यार करती हो ना? सिर्फ प्यार का नाटक करती थी। इसने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैं इसे बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन स्वयं इसे किए का दंड मिल गया है। उर्वशी, बेटी उर्वशी। माँ। मालकिन मालकिन, हमारी बहुरानी पहाड़ी की ओर भागती हुई जा रही थी, मगर उनको मैंने रोकना चाहा, नहीं रुकी मालकिन, रोती रोती चली गई। क्या हुआ रंबा? तुम जैसे भी हो हमारी बहुरानी को बचाओ, हा? नहीं तो वो पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देगी, जल्दी करो। उसे बचाओ संता। चलो रंबा। हाँ चलो।